वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। बच्चों, आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, और ये जो कहानी है ये लिखी है डैनियल डेफो ने। बहुत ही फेमस राइटर थे, तो जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी आप उससे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 49 खोल लीजिए, और जैसे जैसे मैं रीडिंग करती रहूँगी आपने अपनी बुक में डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उन्हें लर्न करते रहना है साथ साथ में, और रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है उसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का जो समुद्री जहाज़ था वो समुद्र द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी नष्ट हो गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। बहुत सालों तक वो अकेला था और किसी साथ को इधर उधर ढूंढता रहता था कि कोई उसके साथ के लिए आ जाए। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसने रेत पर किसी के पाँव के निशान देखे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। चलिए देखते हैं फिर उसने क्या किया होगा। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। एक दिन जब मैं अपनी किश्ती की तरफ जा रहा था मुझे बहुत हैरानी हुई कि रेत पर किसी व्यक्ति के पाँव के निशान थे। आई स्टूड अमेज्ड, मैं हैरान हो गया। आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना तो मैंने कुछ आसपास सुना और ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं और ऊंची जगह पर गया ताकि मैं नीचे देख सकूं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं शोर होता है नदी का किनारा, मैं नदी के किनारे के ऊपर चढ़ा, नीचे भी गया कि शायद मुझे कुछ दिखाई दे। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, यानी मुझे कोई भी उस पाँव के निशान के अलावा कोई और निशान नहीं दिखाई दिए। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर मैनी फुटप्रिंट्स, मैं उसके पास गया ये देखने के लिए कि क्या उसके आसपास भी कोई पाँव के निशान हैं, एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और इसलिए भी गया उसके पास कि मैं ध्यान से उसे देखकर ये पता लगा सकूं कि कहीं वो मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है। इमेजिनेशन होता है जो हम अपने दिमाग में ही कल्पना करते हैं। जब हम आईज क्लोज करते हैं कभी कभी हम किसी सीनरी के बारे में सोचते हैं और हमें लगता है दिमाग में कि सच में हमें वो दिखाई दे रही है, तो वो क्या होता है, इमेजिनेशन, हमारी कल्पना। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन जब मैंने पास जाके देखा तो मुझे पता चला कि नहीं नहीं वो मेरी कल्पना नहीं है। फॉर देर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। जब पास जाके देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर पाँव का हर एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। टोज यानी पंजे, हील यानी एड़ी, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, और पाँव का हर एक पार्ट यानी हर एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि वो पाँव का निशान वहाँ कहाँ से आया होगा। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत समय तक सोचता रहा, थिंकिंग होता है सोचना, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, लेकिन जितना ज़्यादा सोचा उतना और कन्फ्यूज होता रहा और परेशान होता रहा। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटन्ड, लुकिंग बिहाइंड मी every two or three steps, mistaking every bush and tree to be a man. अंत में मैं बहुत ही डरा हुआ, frightened होता है डरा हुआ, डर के मारे में घर वापस तो आया, looking behind me, मतलब अपने पीछे दो तीन कदम पीछे देखता ही चला आया, और हर bush यानी हर झाड़ियाँ और हर पेड़ मुझे आदमी जैसा ही नज़र आ रहा था। ऐसा होता है ना, जब हम डर जाते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों से, कभी कभी हम जब डरते हैं तो एक छोटी सी भी चीज़ हमें दिखती है, रस्सी भी दिख जाए तो हम एकदम से डर जाते हैं कहीं सांप तो नहीं है, तो इसी तरह से उसको भी हर झाड़ी हर पेड़ ऐसा लग रहा था कि यही आदमी है।
When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. यानी जब मैं अपने केव, केव होता है गुफा, जिसको वो कैसल कहता था, कैसल बोलते हैं महल, वो अपने गुफा को महल बोलता था, तो जब वो अपने महल के अंदर आया दौड़कर, तो वो इस तरह दौड़ा जैसे कि ही इज़ बीइंग चेज्ड, चेज्ड होता है कि जैसे आपके पीछे कोई पड़ा हो, चेज्ड मीन्स पीछे पड़ना. आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और आई वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर. कि मुझे रिमेंबर होता है याद रहना या याद करना, कि मुझे याद नहीं है कि मैंने लैडर यानी कि सीढ़ियाँ यूज़ की या आई वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, कि चट्टान, रॉक होता है चट्टान, ठीक है, कि मुझे याद नहीं है कि मैं सीढ़ी से अंदर गया या चट्टान में जो होल था, जो छेद था, मैं उससे अंदर गया. विच आई कॉल्ड द डोर, और उस होल को वो डोर कहता था. आई रैन फॉर कवर Faster than any animal could run. यहाँ पर cover का मतलब है बचने के लिए. मैं बचने के लिए इतना तेज भागा जितना शायद ही कोई जानवर भाग सकता है. तो बच्चों, कैसी लगी आपको अभी तक की स्टोरी? बाकी की स्टोरी हम कल की वीडियो में कवर करेंगे. जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखनी है. अगर आपको ये वीडियो मेरी तरह अच्छे से समझ आ गई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छे तरीके से कौन सी चीज़ समझ आई.